Standard 8, Subject English, Unit 5. In the last video, we have already solved the MCQ. So now, open your workbook, page number 42. Second question, read the following text carefully and answer the questions given below them. ठीक है, ये questions दिए गए हैं, उसके answers आपको लिखने हैं. First question is, What did the writer see against the starlit sky? तो the writer see tiger's tail wagging, glowing, and above all his terrible eyes gleaming through the dark. Second question, What made the tiger stand hesitating? The tiger was startled by the noise of the chair. So, the tiger stand hesitating. Third question is, What is referred to as the tiger's dinner? Writer himself was supposed to fall, referred to as the tiger's dinner. Writer खुद को ही बोलते हैं कि the writer is referred to as a tiger's dinner. Tigers के dinner के बारे में कौन है, तो खुद writer ही है. ठीक है, फिर आपको second paragraph है वो खुद करना है. Third भी do yourself. Fourth one also. Then is question 3. Answer the following questions in 2 or 3 sentences each. दो या तीन सेंटेंस में आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट है, डिस्क्राइब द टाइगर एज वॉज सीन बाय द राइटर व्हेन ही ओपन्ड हिज आईज. यानी कि राइटर जब आंखें खोलते हैं तब उसको टाइगर कैसा दिखाई देता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है. फिर सेकंड है, व्हाट रिकॉलेक्शंस डिड द राइटर गेट व्हेन ही वॉज ट्रैप्ड इन अ स्मॉल रूम विथ अ फियर्स टाइगर इनसाइड. तो कौन कौन से रिकॉलेक्शंस उसको याद आते हैं जब राइटर है वो स्मॉल रूम में ट्रैप्ड यानी फंस जाते हैं टाइगर के साथ. फिर थर्ड, व्हेन डिड द राइटर फील दैट हिज एंड वाज नियरिंग. उनका अंत है वो नज़दीक है, वो राइटर को कब फील हुआ. फोर्थ, व्हाट डिड द राइटर डू व्हेन ही कुड नॉट मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द राइटर हाइडन अंडर द टेबल. तो टाइगर क्या करता है जब वो राइटर को देखता है टेबल के नीचे. डिस्क्राइब द लास्ट सीन व्हेन अल्टीमेटली द राइटर डिफीटेड द टाइगर. लास्ट सीन डिस्क्राइब कीजिए जब राइटर ने टाइगर को है वो हरा दिया. फिर है फोर्थ वन, मैच ए विद बी. डिस्क्रिप्शन है और फिर पर्सन या थिंग है बी सेक्शन में. तो फर्स्ट इज टाइगर्स डिनर, तो आएगा कौन था टाइगर्स डिनर, तो राइटर. सेकंड, क्लेटरिंग नॉइस फर्नीचर. थर्ड, वेज टेबल. फोर्थ, सील्ड चेयर. हाइडियस साउंड स्क्रैचिंग क्लोज. सिक्स, अ स्मॉल रूम. डी, शेक. पुट अ टिक मार्क राइट और रॉन्ग. ओके, फर्स्ट डे द राइटर फेल्ट लाइक अ ड्रीम व्हेन ही सॉ द टाइगर फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट. सेकंड, द राइटर न्यू इट वेल दैट द राइट टाइगर गोट अ लिटल फ्राइटन्ड बाय द क्लेटरिंग नॉइस ऑफ फर्नीचर. राइट. थर्ड, द राइटर क्लिम्ड अप द टेबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द टाइगर. रॉन्ग. फोर्थ, द राइटर पिटीड द लैंडलेडी ऑफ दैट हाउस. रॉन्ग. फिफ्थ, द टाइगर क्रिएटेड अ थर्ड बाय स्टैम्पिंग हिज फुट. रॉन्ग. द राइटर फेल्ट दैट द टाइगर वॉज स्क्रैचिंग द फ्लोर फॉर शार्पनिंग हिज क्लोज टू किल हिम. राइट. सेवंथ, द राइटर यूज्ड अ स्टूल लाइक अ शील्ड एंड फ्लोरिश्ड इट. Wrong. Eight, the hideous sound of the tiger's claw made him sick.
द आंसर विल बी राइट. नाइन्थ, वेन द टाइगर जम्प्ड ऑन टू द टेबल द राइटर फेल्ट दैट द टेबल वुड बी रिड्यूस टू मैच वुड. राइट, द राइटर कट आउट थ्री क्लोज ऑफ द टाइगर विथ अ नाइफ. राइट, उसके बाद में है वर्ड पावर. गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपको इसके एंटोनिम्स देने हैं. एंटोनिम्स यानी कि उसके ऑपोजिट्स, विरोधी शब्द जो होते हैं वो देने हैं. तो वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में आपको खुद उसका सेंटेंस बनाकर लिखना है. ओके, फर्स्ट है स्टारलिट स्काई, यानी कि तारों से भरा हुआ स्काई, तो आएगा स्टारलेस स्काई, स्टारलेस स्काई. फिर सेकंड है फॉलोइंग, तो आएगा प्रीसीडिंग, पी आर ई सी डबल ई डी आई एन जी, प्रीसीडिंग. फिर थर्ड है एविडेंटली, तो आएगा इन एविडेंटली, आई एन ई वी आई डी ई एन टी एल वाई. फोर्थ है शार्प, तो उसका बी एल यू एन टी, ब्लंट आएगा. फिफ्थ है वाइसियस, वी आई सी आई ओ यू एस, तो आएगा काइंड एंड काइंड. ओके, के आई एन डी, काइंड. फिर सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग टेक्स्ट यूजिंग द ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड्स देने हैं. थिंक ऑफ ऑल द ब्लैंक, तो अनहैप्पी लिखा हुआ है तो आएगा हैप्पी, ऑपोजिट. फिर है वाइल्ड एनी वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग ब्लैंक, तो कंट्रोलेबली उसका ऑपोजिट होगा फ्रीली. फिर है एंजॉइंग कवर्ड स्काई एंड लिविंग इन द ब्लैंक फॉरेस्ट ट्रीज, तो कवर्ड का आएगा ओपन, ओपनड, ठीक है, ओ पी ई एन ई डी, ओपनड. और लिविंग इन द स्कैटर्ड का आएगा कन्वर्स्ड, सी ओ एन वी ई आर जी ई डी, कन्वर्स्ड. मैन कैचेस अ बर्ड एंड इम्प्रिजन्स इट इन अ ब्लैंक केज, तो अगली का आएगा ब्यूटीफुल. फिर है ही थिंक्स दैट द बर्ड विल बी ब्लैंक, सैड है, तो सैड का आएगा हैप्पी. इफ इट गेट्स अ ब्लैंक फूड, स्कार्स का आएगा प्लेंटी ऑफ, स्कार्स यानी कम फूड होना, तो प्लेंटी आएगा, प्लेंटी ऑफ फूड. एंड फ्रूट्स एंड अ केज टू लिव इन, कैसा केज है, डर्टी है, तो डर्टी का आएगा क्लीन केज टू लिव इन. मैन ब्लैंक टू अंडरस्टैंड द बर्ड्स फीलिंग, सक्सीड्स का आएगा फेल्स, सक्सेस पाना तो उसका आएगा फेल्स, टू अंडरस्टैंड द बर्ड्स फीलिंग्स. ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ में आपको ऑपोजिट वर्ड्स सारे लिखने हैं, ब्रैकेट में दिए गए हैं उसके ऑपोजिट्स. ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर टू तक, 47 नंबर के पेज में. ओके, सब कुछ बॉल पेन से ही करना है एंड राइट विथ अ गुड हैंड राइटिंग. जितना जितना आपको करने का होता है वो रेगुलरली होमवर्क आपको कर ही लेना है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है, रेगुलरली सब वर्क करते रहना है. ठीक है.